जय हिंद साथियों, हम बात करेंगे आज स्पोकन इंग्लिश के कुछ स्ट्रक्चर सिखाएंगे आपको, जिससे आप अंग्रेजी बोलोगे ही नहीं, आप अंग्रेजी में बहुत कुछ कर सकते हो। तो समझो, पहली बात, आप यूज ऑफ हिजेमर पढ़े हो ना, आप सभी बताओ यूज ऑफ हिजेमर, जितने भी बच्चे पढ़े होंगे ना वो इंग्लिश बहुत हर तरीके से बोले यूज ऑफ हिजेमर। भाई बच्चा बच्चा पढ़ता है, छोटे छोटे उम्र से ही पढ़ते होंगे यूज ऑफ हिज एम आर, कौन नहीं पढ़ा है मुझे बताओ यूज ऑफ हिज एम आर, किस किस ने नहीं पढ़ा है, किस किस को यह टॉप लगता है मुझे बताओ कमेंट करके साथियों, किस किस को यह टॉप लगता है मुझे बताओ। ये चीज़ें अगर आपको आती है तो आप भी इंग्लिश बोल पाओगे, आप भी इंग्लिश में सोच पाओगे, आप भी कर पाओगे। समझ रहे हो ना मैं क्या बतला रहा हूँ आपको, जर के साथ काम करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे साथ बने रहो। भाई आप सभी को पर्सनल प्रोनाउन आते हैं ना, पर्सनल प्रोनाउन आज नहीं बचपन से तुम पढ़ते आ रहे होगे, आई वी ही सी इट दे इट समथिंग एल्स, नाउन ले लो बहुत सारे नाउन, नाउन में तो पढ़ा दिया हूँ ना, नाउन में हजारों नेम है, हजारों है ना, पढ़ाया है ना मैंने, उनसे आप वाक्य बनाओ ना, आप उनसे हजारों सेंटेंस बनाओ ना यूज ऑफ हिजेमर करके, इसका रहस्य खोल देंगे हम, इसका रहस्य सीखो ना। आपकी इंग्लिश कुछ नहीं है, मैंने पहले भी जो लेक्चर में बताया था आपको, सीरीज चला रहा हूँ मैं स्पोकिंग की, पहले सीरीज में बताया था आपको कि इंग्लिश क्यों नहीं हमको आती है, एक्चुअली क्या कारण थी कि हमें इंग्लिश समझ में नहीं आ रही थी, मैं जानना चाहता था। मैंने सिखाया आपको कि इन्होंने फैक्ट किया है कि इंग्लिश हमें आती क्यों नहीं, नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी भाई, ऐसा थोड़ी कि नहीं आएगी, हमने समझा था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश में हम इज एम आर का यूज करके कैसे अंग्रेजी बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, सब मेरे साथ बोलना, मैं जैसे जैसे एक्टिविटी करूंगा आप सबको बोलना। जैसे यूज ऑफ इज एम आर में स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर समझो, कुछ नहीं होता साथियों, स्ट्रक्चर सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर होता है साथियों, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट ले लेना है आपको साथियों, इज एम या आर लगा लेना है, इसके बाद जो मन करे लगा दो, जो मन करे क्या लगा सकते हो, या तो नाउन लगा सकते हो या तो एडजेक्टिव लगा सकते हो, दो ही चीज लगा सकते हो, एक तो आपको नाउन लगा सकते हो या एडजेक्टिव लगा सकते हो। मैं बोलूंगा आप भी बोलोगे, फिर हो ना बस हिंदी नहीं करेंगे, जैसे मैं बोला पहला उठा लो आई, आप पर्सनल प्रोनाउन पढ़े हो ना, जैसे आई मैं एडजेक्टिव कहता हूँ, आई हैप्पी, यू हैप्पी, ही हैप्पी, सी हैप्पी, दे हैप्पी। अब देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आप बोल क्या रहे हो, जैसे आई मतलब मैं खुश हूँ, तुम खुश हो, राम खुश है, श्याम खुश है, मोहन खुश है, बच्चे खुश है, पिताजी खुश है, बोलो ना फादर्स 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 आर गुड, दे आर हैप्पी, माय मदर इज गुड, आर समथिंग एल्स, कुछ भी बोलो, आप बोलो पहले, सोचो इंग्लिश में कुछ नहीं सोचना है, बस इसका सब्जेक्ट ले लो, जैसे मैं खुश हूँ, मैं क्या है आपका सब्जेक्ट है, समझो ना, देखो तो यहाँ पे इंग्लिश एकदम बहुत हलवा है, सीख जाओगे इंग्लिश बोलना। लेकिन मैं यहाँ पे हिंदी में समझाऊंगा, बट आपको हिंदी में काम नहीं करना है, आपको इंग्लिश में करना है, क्योंकि मैं क्या हूँ समझाने वाला हूँ, अगर समझाने वाला इंग्लिश में बोले तो आपके क्या हो जाएंगे, माथा से पार हो जाएंगे, तो फिर आप इंग्लिश सीख नहीं पाओगे, वंचित रह जाओगे। तो मैं लिख रहा हूँ, आप बनाओ मेरे साथ, कमेंट करके बताना क्या इसे सीख पा रहे हो कि नहीं। जैसे मैंने लिखा मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, बताओ आपने, देखो यहाँ पे क्या इजे मार के क्या पढ़ते हो, कोई वाक्य हो जिसमें मेन वर्ब ना हो, एक ऐसा वाक्य हो जिसमें मेन वर्ब ना हो और उसके अंत में क्या रहना चाहिए, हैं हूँ रहते हैं, यही तो पढ़े हो ना बचपन से, जो कुछ पढ़े हो ना उसी में थोड़ा बहुत पॉलिश कर देंगे। देखो दही समझते हो, दही में क्या क्या जाता है, दूध ही तो होता है ना, दूध में थोड़ी सी दही डाल देते फिर वो एक आकार का जैसा हो जाता है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, आप सभी दूध हो, दूध में थोड़ा सा चूरन डाल देंगे फिर आप दही बन जाओगे, फिर मतलब क्वालिटी आपके बढ़ जाएंगी, समझ रहे हो ना, क्वालिटी आपके बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा आपके काम करना है, कुछ नहीं बहुत कुछ आता आपको, आप सभी ब्रिलियंट स्टूडेंट हमारे लिए, समझ रहे हो ना। देखो आपने ये चीज सीखा कि मैं खुश हूँ, बचपन से पढ़ते आ रहा, कुछ नहीं करना है, अब देखो सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट को उठाना है, सब्जेक्ट फाइंड करो, सब्जेक्ट बताया था ना कैसे फाइंड करना है, सब्जेक्ट मैंने बताया था आपको कि कैसे फाइंड करना है, सब्जेक्ट के लिए क्या करना है आपको साथियों, फूल लगाना है किसमें, के बाद एक पहला लेटर छोड़ दो, और देखो एक चीज याद रखना, सब्जेक्ट फाइंड नहीं करना करने आता है तो याद रखने की छोटी सी बात, 19% काम करेंगे, कहीं नहीं पाओगे 90% के लिए, तो आज ही जो पहला पहला जो लेटर होता है ना, पहला जो वर्ड होता है ना सेंटेंस का, सब्जेक्ट होता है, कितने परसेंट है 90% में, देखो तो पहला जो अक्षर की पहला जो आपका वर्ड क्या, मैं, यही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा ना, तो ना पहला वर्डिंग होता है ना, पहले का वर्ड वह सब्जेक्ट होता है, ठीक है,
ओके बाद जो होता है उसको समझ लेंगे फिर बाद में। पहले हम लोग क्या करना है, पहला काम करना सब्जेक्ट का, बताओ सब्जेक्ट क्या, मैं, अब मैं का स्पेलिंग क्या होता है साथियों, आई, मेरे साथ बोलो मैं का स्पेलिंग आई होता है कि नहीं, आप मुझे बताओ कमेंट करके मैं का स्पेलिंग आई होता है, तो हम यहाँ पे आई लिख देंगे। अब बताओ किसको नहीं पता आई के साथ एम लगता है, बचपन से बोलते आ रहे हो आई के साथ एम लगता है, पता है आई के साथ आर लग सकता है, नहीं, आई के साथ इज लग सकता है, नहीं लग सकता, आप बोलोगे कि आई के साथ इज लगा दो, लगा सकता हूँ, कैसे लगा सकता हूँ वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग स्पोकन सीख रहे हैं, वो ग्रामर के सेक्शन में सीखेंगे आई के साथ कैसे लगेंगे, लेकिन यहाँ पर समझो आई के साथ क्या लगाओगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, एम लगा दोगे, देखो आई एम, आई एम, अब बताओ यहाँ पे क्या दो, ये तो ये भी काम हो गया, अब बच गया नाउन या एडजेक्टिव, खुश क्या है, खुश क्या है, अब बताओ एक एडजेक्टिव है, और बताओ खुश का स्पेलिंग क्या होता है, हैप्पी, क्या होता है साथियों, हैप्पी, आई एम हैप्पी। अब देखो अब कुछ नहीं करना, अब यहीं से खेल स्टार्ट होगा हमारा, यहीं से हमारा शतरंज का खेल स्टार्ट होगा, आप बोलोगे नहीं आप बहुत कुछ करोगे। अब देखो मेरे साथ देखो, ये जो आई है ना, आई के साथ क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आई के जगह पे लगा दो ही इज हैप्पी, सी इज हैप्पी, राम, राम इज हैप्पी, मोहन, मोहन इज हैप्पी, माई फादर इज हैप्पी, मेरे पिता खुश हैं, वो खुश है, सीता खुश है, सीता इज हैप्पी, सीता खुश है, सर जी खुश है, सर जी इज हैप्पी, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, पटेल, पटेल खुश है, पटेल इज हैप्पी। भाई एक वर्ड ये हैप्पी लगाओ और हैप्पी के साथ पचासों सैकड़ों सेंटेंस बोलो, क्या अभी तक सीख पाए थे ऐसे बताना मुझे कमेंट करके। आपके स्पोकन बहुत आसान है, ये हम अपने ऑफलाइन में पढ़ाते थे, लेकिन मैंने सोचा नहीं ऑफलाइन की चीज़ें ऑफलाइन में नहीं होनी चाहिए, आप बच्चे ऑनलाइन में भी स्पोकन सीख सकते हैं, बस बसरते काम करना पड़ेगा उनके साथ, कुछ नहीं साथियों, आप यहाँ पे देखो आप कुछ नहीं करो, मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला सीखो, सारे पेज कोर्सेज में आपको दे रहा हूँ, एकदम आपको चाबी दे रहा हूँ, बस चाबी को आपको लगाना सही जगह पे है, चाबी के मैं गुच्छा दे रहा हूँ, आप उसके बाद काम करो। देखो करना क्या होगा, कुछ नहीं, तो ही होता है ना, सी होता है ना, सबके हिंदी पता है ना, ही मतलब हुआ, सी मतलब हुआ, ये जो होता है पुल्लिंग के लिए लगता है, ये जो होता है स्त्री। देखो साथियों राइटिंग में मत जाना, सुनना बारीकी से, दो तीन बार वीडियो को देखना, कोई भी अच्छे वीडियो को स्किप नहीं करना, नहीं सीख पाओगे ऐसे फालतू को, कोई वीडियो देख करके आप टाइम पास कर देते हो, कुछ नॉलेजेबल चीज़ देख लो जिससे आपकी बेरा पार नहीं बेरा हमेशा के लिए पार हो जाएगा। सही हो गया, सी हो गया, आप लगा सकते हो, इट लगा सकते हो, दे लगा सकते हो, ठीक है, ही सी दे, और वी लगा सकते हो, आई लगा सकते हो, यू लगा सकते हो, फिर कोई नाउन के यूज कर सकते हो। देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ वर्ड के यूज कर सकते हो, इसका वर्ड मीनिंग हिंदी में देखो, ही मतलब हुआ, मतलब भी हुआ होता है, इट मतलब यह निर्जीव करते हैं, दे मतलब वे लोग, दे मतलब हम लोग, आई मतलब मैं, यू मतलब, यू मतलब तुम या आप लोग, कितना भी बोलो, नाउन मतलब नाउन ले लो ना, नाउन भेड़ बकरा गाय, देखो पक्षी का नाम जानते हो ना, पक्षी का नाम, पक्षी का नाम 25-20 तो ही याद होगा आपको, छोड़ो पक्षी का नाम नहीं है ना, फल का नाम जानते हो, फल का नाम सेव हो गया, केला हो गया, पपीता हो गया, सब का इंग्लिश जानते हो ना, अब देखो कैसे बनेगा, सोचना है, एक चीज दिया ना आप बहुत सारे चीज कर पाओगे। यूज ऑफ इज एमआर को कम मत समझो, ये जो आपको यूज ऑफ इज एमआर दिखाई दे रही है कम मत समझो साथी, बहुत बड़ा चीज होती है, लेकिन बशर्ते गाइडेंस की जरूरी है, हमें एक गाइडेंस चाहिए, एक छोटी सी हमें कुंजी चाहिए। देखो कैसे बोलेंगे इसे, जो बच्चा स्किप किया होगा ना याद रखना, भाई जब तुम्हें एक छोटी सी टाइम यहाँ पर नहीं दे सकते हो, तो आप ऑफलाइन में दो दो घंटे इसके लिए प्रैक्टिस किया जाता, आप कैसे सीख सकते हो, भाई 6 मिनट में हम 2 घंटे के जो कंटेंट होता है ना, ये सब 10 मिनट में देने के प्रयास करो, आपको तो आपको मेहनत करना पड़ेगा आपको। देखो जैसे मैं ही से बोलता हूँ, ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, अब हिंदी आप हिंदी नहीं करूँगा, मैं हिंदी नहीं करूँगा, सम इट 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 इज पेन, देखो अब इट के साथ ये नहीं लगा देना एडजेक्टिव, इट के साथ एडजेक्टिव यूज नहीं करते, अभी देखो और यहाँ पे क्या क्या छोड़ दिए थे, आप यहाँ पे लगा सकते हो दीज, यहाँ पे लगा सकते हो दोज, आप लगा सकते हो डैट, आप लगा सकते हो दिस, ठीक है, मतलब ये सब भी बहुत कुछ है बाकी साथियों, बहुत कुछ है, बहुत समझ लो अनलिमिटेड, समझो एट तक हो गया था, एट के साथ क्या कर सकते हो, एट के साथ एडजेक्टिव नहीं लगाना, ये जो एडजेक्टिव है इसको नहीं लगाना एट के साथ, एट के साथ अगर एडजेक्टिव लगाओगे तो फिर गलत हो जाएगा, एट के साथ नाउन लगाना, जैसे इट इज पेन, इट इज मार्कर, इट इज मोबाइल, इट इज कैमरा, इट इज माई, समझ लो इस तरह से बोलना है। अब देखो दिस का यूज कैसे करोगे, दिस इज शशि, दिस इज पटेल, दिस इज गॉड, दिस इज काय, काउ, सॉरी काय बोल रहे, काउ, दिस इज
एवरीथिंग व्हाट एवर यू थिंक माइंड, मतलब माइंड में जो कुछ भी है ना आप बोलो, किसका यूज करके, डायट का यूज कर लो, डायट का यूज कहाँ करते हो, दूर वाला सेंस में, ऐसे बोलोगे, ऐसे बोलोगे डायट इज राम, डायट इज राम, डायट इज कुछ भी, समझ ना, कुछ भी लगा दो डायट के बाद नाउन होना चाहिए, ये जो वर्ड है ना दिस दोज दैट, दैट इज एप्पल, दैट इज एलिफेंट, दैट इज एन एलिफेंट, सॉरी दैट इज ए बुक, ठीक है, इस तरह से बोलो ना, बहुत सारे कुछ बोल सकते हो, कोई टॉफ चीजें नहीं है। आप देखो अभी और कहा था नाउन, नाउन में कैसे लिख सकते हो, ससी इज गुड, ससी इज बैड, ससी इज क्लेवर, ससी इज इंटेलिजेंट, एडजेक्टिव लगाते जो, एक ही वर्ड देखो, एक ही वर्ड, ये चीज हटाओ, भी आपको हमको सिखाना है, बहुत काम करना आपके साथ, आपको मुझे पता है कि आपको सिखाना पड़ेगा मुझे, और मैं आपके लिए सिखाने के हर प्रयास को, हर फॉर्मूले को आपके साथ बताऊंगा, ठीक है। तो आपको एक काम करना होगा, PBR स्टडी ऐप को जाकर प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा, वहाँ भी इंग्लिश के फाउंडेशन बैच है, तो इसकी चार्जेज नहीं है, ठीक है, जाकर चुपके से ज्वाइन कर लेना, आप जाकर चुपके से ज्वाइन कर लो, ठीक है, और वहाँ से भी सीखो, वहीं पर आपको PDF मिलेंगे, अब टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बता दो, टेलीग्राम पे हमें PDF मिलेंगे बहुत जल्द, अभी नहीं मिल रहे, हम लोग कैसे बोलेंगे, जैसे मेरा नाम है शशि, अब देखो इसके साथ मैं क्या क्या बना सकता हूँ, देखो शशि इज मैंने लिखा, अब देखो मैं इसके साथ क्या क्या बना सकता हूँ, देखो क्या क्या बना सकता हूँ, शशि इज बॉय, शशि इज सर, शशि इज नटी बॉय, शशि इज बैड बॉय, शशि इज गुड बॉय, शशि इज क्लेवर बॉय, शशि इज बकवास बॉय, बकवास भी एक वर्ड होता है, जैसे आप फंडामेंटल इंग्लिश में बोल सकते हो, शशि, अब देखो शशि हैव, अब यहाँ पे हैव के यूज कर, इजे मार करना ना, इजे मार मिलाएंगे शशि, अब शशि हो गया ना, शशि इज बैड कुछ, ठीक है, आप कह सकते हो आप शशि का नाम हटा दो, जैसे मेरे बारे में चर्चा कर ली, आप यहाँ पर रमेश लगा दो, ठीक है, अब कर दो रमेश, क्या बोलोगे, रमेश इज ए स्टूडेंट, रमेश इज ए टीचर, रमेश इज ए प्रोफेसर, रमेश इज ए कलेक्टर, रमेश इज ए समथिंग, रमेश इज ए गुड, रमेश इज ए बैड, रमेश इज इंटेलिजेंट, कुछ भी बोलो, हजारों सेंटेंस कुछ भी खड़ा होता ना शीशे के सामने, ऐसे बोलो रमेश इज ए गुड, रमेश इज ए बैड, रमेश इज क्लेवर, रमेश इज ए ब्रेव, रमेश इज नटी, कुछ भी लगा करके बोलते रहो, जैसे आई, अब देखो मैं बोल रहा हूँ कैसे एक्चुअल प्रैक्टिस करना, आई एम गुड, यू आर गुड, ओके वी आर गुड, ओके ही इज गुड, सी इज गुड, ओके इट को नहीं बोलना है, दिस इज गुड, दैट इज गुड, ओके इस तरह से आप क्या करोगे बोलोगे, आप देखो इसके एक और कॉन्सेप्ट समझो, नेगेटिव कैसे बोलोगे, तो आई एम नॉट गुड, यू आर नॉट गुड, सी इज नॉट गुड, ही इज नॉट गुड, वी आर नॉट गुड, ओके यू आर नॉट गुड, ठीक है, इस तरह से आप क्या करो, नॉट वाले भी सेंटेंसेस बोल सकते हो, आपके हम क्या दे दिए, कुंजी दे दिए, और आपको क्या करना है, इस पेस्ट पे आपको इंग्लिश बोलना है, ठीक है, ठीक है, बेस्ट पे इंग्लिश को बोलना है, ये थे हमारे छोटे से कॉन्सेप्ट में, हम लोग यूज ऑफ EGMR के पढ़े थे, इसके कुछ एडवांस रूल भी हैं जो आपको अगले वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए ऐसे ही प्यार दुलार बताते रहो, तो जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहो और देश में लोगों को शेयर कर दो, ताकि हर बच्चा बोलना सीख जाए, लव यू, थैंक यू।